दोस्तों आज अपन सीखने वाले हैं कैसे अपन YouTube वीडियो को BLC मीडिया प्लेयर में प्ले करके देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट जानकारी दूंगा जिससे आप ये सीख पाएंगे कैसे अपन YouTube वीडियो को VLC मीडिया प्लेयर में देख सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित आप सभी लोगों का आपके ही अपने YouTube चैनल टेक्निकल सर्जी में स्वागत करता हूँ। चलिए सीखते हैं। दोस्तों YouTube वीडियो को BLC मीडिया प्लेयर में प्ले करने के लिए सबसे पहले जरूरत पड़ेगी आपके लिए BLC मीडिया प्लेयर की। जैसा कि आप ये देख सकते हैं VLC मीडिया प्लेयर है। अगर आपके PC या लैपटॉप में इंस्टॉल नहीं है तो आप सिंपल जाके यहाँ पे BLC सर्च करके ये VLC की ऑफिशियल वेबसाइट आपको देखने को मिलेगी। यहाँ से इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। डाउनलोड करने के बाद इसको इंस्टॉल कर लीजिएगा और जब इंस्टॉल कर लेंगे तो आपके सामने ऐसा आइकॉन डेस्कटॉप पे आ जाएगा, इसको ओपन कर लीजिएगा तो आपका VLC प्लेयर चालू हो जाएगा कंप्यूटर में। अधिकतर लोगों के कंप्यूटर में ऑलरेडी पहले से इंस्टॉल होगा। अपन आते हैं अब मेन मुद्दे की बात पर कि YouTube वीडियो को अपन VLC मीडिया प्लेयर में कैसे प्ले कर सकते हैं। चलिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले अपन आ जाते हैं यूट्यूब पर। यूट्यूब पर आ जाने के बाद यहाँ पर सर्च करेंगे यूट्यूब। ये देखिए दोस्तों यूट्यूब आ गया। अब यहाँ पे आप चाहें तो कोई भी वीडियो सर्च कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं अपनी ही कोई वीडियो यहाँ से प्ले करता हूँ। मैंने सर्च करा अपना कोई वीडियो, अंकित मैजिक लिखा मैंने, तो मेरी कई सारी यहाँ पे आप देख सकते हैं वीडियो यहाँ पे आपको देखने को मिल रही होंगी। चलिए मान लेते हैं कि मैं इस वाली वीडियो को ही VLC मीडिया प्लेयर में प्ले करके दिखाऊंगा आपके लिए। चलिए इसको मैं पहले प्ले करते हैं। आप देखिए, ये देखिए दोस्तों ये वीडियो यहाँ पे प्ले होना स्टार्ट हो चुकी है। देखिए दोस्तों ये यहाँ पे चलना, देखिए आप देखिए एक मिनट थोड़ा सा वेट करेंगे। ये नेट की स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है दोस्तों अपना, है ना। थोड़ा सा वेट करेंगे अपन, एक मिनट आ जा। इस वीडियो को सीखने, देखिए दोस्तों ये वीडियो प्ले होना स्टार्ट हो चुकी है ना। इसकी वजह से मैंने क्वालिटी कम करके रखी हुई है। अब इस वीडियो को मैं VLC मीडिया प्लेयर में कैसे प्ले करूंगा आपको बताऊंगा। आप जो भी वीडियो प्ले करना चाहते हैं उस वीडियो को प्ले करने के बाद आपको ये जो लिंक दिख रही है ये वाली ऊपर वाली URL, इस पूरी URL को आपको यहां से कॉपी कर लेना दोस्तों। ये कॉपी कर लेंगे अपन। कॉपी कर लेने के बाद इसको आप कर दीजिए बंद या तो मिनिमाइज भी कर सकते हैं। आपको अब करना क्या है, सिंपल आपको अपना VLC मीडिया प्लेयर को ओपन कर लेना है। ओपन कर लेने के बाद आप ध्यान दीजिए आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर मीडिया का एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा, ये वाला मीडिया। इसको आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा ओपन नेटवर्क स्ट्रीम का। देखिए दोस्तों 1 2 3 4 5 ये 5वें नंबर पे ओपन नेटवर्क स्ट्रीम का ऑप्शन देखने को मिलेगा, आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा प्लीज इंटर ये नेटवर्क URL, आपको वो लिंक यहाँ पे इसको पेस्ट कर देना। चलिए मैं उस लिंक को यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। देखिए दोस्तों मैंने पेस्ट कर दिया। पेस्ट कर देने के बाद दोस्तों ध्यान दीजिए यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलता है प्ले का, आपको प्ले पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे कुछ सेकंड यहाँ पे आपको वेट करना है। ये वीडियो यहाँ पे दोस्तों लोड हो रही है। देखिए वीडियो का नाम आ चुका है, वीडियो का पोस्टर आ चुका है। ये देखिए दोस्तों ये पूरा आप देख सकते हैं, फुल स्क्रीन पे आप देख सकते हैं VLC मीडिया प्लेयर में फुल स्क्रीन पे प्ले करके देख सकते हैं। इसकी स्क्रीन को भी छोटा बड़ा आप यहाँ से कर सकते हैं बड़ी आसानी से दोस्तों। और इसमें एकदम मतलब काफ़ी सारे फीचर आपके लिए मिल जाते हैं। जब कोई मूवी वगैरह देख रहे होते हैं तो कोई स्क्रीन छोटी आती है तो उसको यहाँ से एडजस्ट भी कर सकते हैं। ए दबा के देख दो, ए दबा रहा हूँ आप देख सकते हैं स्क्रीन का रेटो चेंज हो रहा है। तो इस तरह दोस्तों मुझे उम्मीद है अब आप लोग सीख गए होंगे कि कैसे अपन YouTube वीडियो को VLC मीडिया प्लेयर में प्ले कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और जो भी भाई बहन हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। चलिए मिलते हैं आपसे फिर हम नेक्स्ट वीडियो में। जय माता दी।